ओके okay? अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो हमें पहले से पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन सो लेट्स सी सपोज स्टूडेंट देयर इज अ लाइन सेगमेंट गिवन टू यू एंड द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट लाइन सेगमेंट इज डी ओके सो दिस डी इज डिनोटिंग यू द डिस्टेंस एंड दीज आर द टू पॉइंट्स दीज आर दर्डिनेट पॉइंट शोइंग यू द कॉर्डिनेट्स ओके दिस पॉइंट इज डिटंड बाई एक्स वन बाई वन एंड दिस पॉइंट इज डिटंड बाई द कॉर्डिनेट एक्स टू ओके

सिमिलरली वट इज सेक्शन फार्मूला न सपोज द सेम लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाई एनी पॉइंट पी ओके पी एक पॉइंट है इसके बीच में जो कि आपकी लाइन सेगमेंट को लाइक हम नेम दे देते हैं ए बी ओके पी एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एम वन एम टू ठीक है ये एक रेशियो है एम वन एम टू जिससे आपकी पी पॉइंट लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है तो कैसे निकालेंगे हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ठीक है तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला है जिसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं तो पी का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले में एम वन एम टू की वैल्यू एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू की वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है? थर्ड इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला सपोज मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कोई भी अगर लाइन है तो उसके मिड पॉइंट मतलब उसके बिल्कुल बीच बीच का पॉइंट ओके सो अगर आपको किसी लाइन के बीचों बीच का पॉइंट निकालना है मिड पॉइंट मिड पॉइंट निकालना है तो हम उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और मिड पॉइंट निकालने के लिए आपके पास ये एक फॉर्मूला है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू ओके अगर अभी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इन फॉर्मूलेज को कैसे यूज़ करना है last is the centroid formula now centroid is what triangle case center ka formula like suppose this is a triangle okay so centroid will be somewhere in the middle of the triangle so is सेंट्रॉयड का कैलकुलेट करने के लिए इसका कोऑर्डिनेट पता करने के लिए वी हैव अ फार्मूला एंड द फार्मूला इज दिस ओके एक्स वन एक्स टू वट इज एक्स वन एक्स टू तो ये मान लीजिए एक्स वन बाई वन आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स टू वाई टू ये कोऑर्डिनेट हो गया एंड एक्स थ्री वाई थ्री आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया सो बाई एडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स डिवाइडिंग इट बाई थ्री एंड बाई एडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इट बाई थ्री वी विल गेट द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ओके सो दीज आर द फोर फार्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन टूडेज चैप्टर कोर्डिनेट जोमेट्री ओके सो ना लेट्स मूव टू द क्वेश्चन सो फर्स्ट मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन इज दिस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी टू थ्री द कॉर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज गिवेन फ्रॉम द एक्स एक्सेस ठीक है आपको एक कोर्डिनेट दिया गया पी जिसका कॉर्डिनेटर टू थ्री और एक्स एक्सेस से ये कितनी दूरी पर है स्टूडेंट्स कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे किसी भी पॉइंट को ये पूछ लिया गया हो कि ये एक्स से कितनी दूरी पे है या वाई की कितनी दूरी पे तो जब आपसे एक्स पूछा जाएगा वहाँ पे आपको सिंपली कौन से कोऑर्डिनेट को चेक करना है वाई को चेक करना है इसी तरीके से जब आपसे वाई एक्सेस पूछा जाएगा तो आप कौन से कोआर्डिनेट को चेक करेंगे एक्स को चेक करेंगे बस इतना याद कर लीजिए ओके अगर आपसे कभी भी डिस्टेंस पूछ ली जाए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है तो एक्स के लिए आपको वाई के गिवन कोऑर्डिनेट के वाई को देखना है और वाई के लिए आपको गिवन कोऑर्डिनेट के एक्स को देखना है तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सेस पूछा गया तो हम किसको देखेंगे थ्री दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ठीक है क्योंकि आपको पता है जब हमने ट्राइंगल सॉल्व करवाया था तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक्स का कोई डेफिनेट कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है तो उसकी लाइन किसके पैरलर बन जाती है वाई एक्सिस के पैरलर बन जाती है ओके तो दूरी तो उतनी ही होगी इसीलिए ज़्यादा डेप्थ में ना जाके मैं आपको यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिक समझ लीजिए ट्रिक बता रही हूँ कि तो जब आपसे एक्स एक्सेस से पूछा जाए कि एक्स एक्सेस से कोई कॉर्डिनेट कितनी दूरी पर तो वहाँ वाई उसका डिस्टेंस हो जाएगा वाई से पूछा जाए तो एक्स डिस्टेंस हो जाएगा okay let's check whether we have three in the options or not so first option is two second is three third is one and the fourth option is five so we have three so this is the right answer yeah let's check सो एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू स्टूडेंट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इट्स ऑर्डिनेट ना व्हाट इज ऑर्डिनेट वाई को ऑर्डिनेट बोलते हैं और एक्स को एप्सिसा बोलते हैं आई होप ये आप लोग को पहले से ही बता हुआ एक्स को क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट के एक्स को क्या बोला जाता है एक्स को एप्सिसा बोला जाता है वाई को ऑर्डिनेट बोला जाता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू ना दिस इज अ टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉमूला किसी भी बीच पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर नाउ दिस पॉइंट आर गिवन टू यू आप यहाँ पे जस्ट फॉर जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन आप यहाँ पे लिख लीजिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा रखने में अब हम क्या करेंगे अपनी वैल्यूज पुट कर देंगे तो so, ये हो जाएगा फोर माइनस वन होल स्क्वायर ये हो जाएगा जीरो माइनस फोर होल स्क्वायर ओके Now solve it. This is a square. So three square nine and four minus four square always square positive I got So this is twenty five within square root. So answer is five. Okay. Check karletey option me five available hai. First option is this. Second is five. So obviously this is the right answer. Okay. Let's check the final answer. Yes, answer B is the correct option. Clear. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एक्स माइनस वन एंड थ्री टू इज फाइव सो यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिस्टेंस पहले से दी गई है और हमें क्या निकालना है हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आप इसकी नेमिंग कर लें दिस इज एक्स वन वाई वन एंड दिस इज एक्स टू वाई टू और ये आपको क्या दिया है ये डी दिया है तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे क्या डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर ओके वाई टू माइनस वाई वन स्क्र न पुट द वल्यूज दैट आर गिविंग टू यू इन द क्वेश्चन दिस इज फाइव विद इन स्क्वायर रूट वॉट यू विव थ्री माइनस एक्स स्क्र प्लस हेयर यू हैव टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस है ऑलरेडी और यहाँ पर भी माइनस लगा तो पॉजिटिव हो जाएगा दिस इज दिस ना स्टूडेंट्स अगर हम इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो यहाँ से आपका स्क्वायर रूट क्या होगा हट जाएगा फाइव इसको आप ओपन कर लीजिए नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स

प्लस एक्स माइनस सेवन इक्व टू जीरो आई होप आपको फैक्टराइजेशन आता हो बिकॉज हम फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ रहे तो मैं आपको यहाँ फैक्टराइज़ करना नहीं सिखाऊंगी आपको पता है बीच वाले को हमें लाना होता है ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे सेवन आ जाए प्लस माइनस करने पे सिक्स आ जाए ओके नाउ टेक द कॉमन वन आउटसाइड सो हेअर यू विल हैव वन एक्स माइनस सेवन टू जीरो सो एक्स माइनस सेवन प्लस सॉरी नॉट प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से आपको क्या आंसर मिल गया सेवन एंड माइनस वन ओके सेवन और माइनस वन मिला सो so, ज़ाहिर है कि आपकी वैल्यू दोनों में से कोई cool भी हो सकती है तो so, अब हमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे पहला सेवन और माइनस वन तो पहला ही ऑप्शन आपका क्या आ गया राइट right आंसर आ गया फाइनल आंसर चेक कर लेते हैं सो फाइनल आंसर इज डी ओ तो ऑप्शन आर सेम ओके सो इट कैन बी डी मे भी यहाँ पे आपका हो सकता है माइनस सेवन हो, ओके okay? सो so यहाँ पे डी दिया है तो डी बिकॉज सेवन और माइनस वन इज द राइट आंसर आया वही है तो दोनों ऑप्शन में दो ऑप्शन तो करेक्ट हो नहीं सकते इट माइट इट माइट बी आर टाइपिंग एरअर सो यहाँ पे माइनस सेवन होगा निगेटिव तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता सेवन और माइनस वन इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइ से लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी ओके नाउ आपको क्या क्वेश्चन बोले जाए सबसे पहले इसके लिए फिगर बना लीजिए ताकि क्वेश्चन की क्लियरिटी समझ में आए ए आपका ये पॉइंट है बी आपका ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है जीरो एट इसके कोर्डिनेट है माइनस टू जीरो ओके क्वेश्चन कह रहा है इन्हें ट्राईसेक्ट करें ट्राई सेक्ट का मतलब हम इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ओके सो किस कोऑर्डिनेट से पी एंड क्यू से so, यानी कि ये एक आपका हो गया और ये हो गया और ये तीनों किस पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो इनके बीच का रेशियो क्या हो जाएगा ऑब्वियसली वन रेशियो वन रेशियो वन यही होगा ठीक है सच दैट पी इज नियर टू ए पी नियर टू ए मतलब पी ए के पास है ओके नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू अब आपको पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है स्टूडेंट सो so, अगर आपको याद हो हमने बताया था रेशियो वाले में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है हमारा सेक्शन फार्मूला यूज़ होता है ठीक है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे पहले पी के लिए निकालने के लिए बिकॉज दोनों एक साथ तो नहीं निकल सकता एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा तो जैसे मैं आप पी निकाल रही हूँ फिर आप क्यों निकाल सकते हैं ओके सो पी कैसे निकालेंगे यहाँ पे तो तीन रेशियो दिख रहे हैं तो पी निकालने के लिए आप क्या करेंगे आप इस वाले पार्ट को लाइन पी बी को जस्ट सिंगल पार्ट मान लेंगे और अगर हम ऐसा करेंगे तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे तो आपका फाइनल रेशियो क्या बनेगा वन रेशियो टू जब आपको p फाइंड आउट करना है तो रेशियो क्या हो गया वन रेशियो टू सो अगर रेशियो वन p के लिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवेन है चलिए पुट कर लेते हैं अपने सेक्शन फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन नीचे क्या होगा एम वन प्लस एम टू कॉम ये तो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा इसी तरीके से वाई के लिए एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ओके ना एम वन आपका हो गया वन ठीक है साइड में कहीं आप लिख लीजिए एम वन है आपका वन एम टू है आपका टू ओके एक्स वन क्या है एक्स वन है आपका बिकॉज अभी हम ए और बी के बीच का निकाल रहे हैं तो एक्स वन है आपका माइनस टू एक्स टू क्या हो गया जीरो हो गया वाई वन क्या है आपका ज़ीरो और y2 क्या है एट सो आई होप अब आप फाइंड आउट कर लोगे जब आपको क्या है सारी वैल्यूज आपको पता है अब आप यहाँ पे रख देंगे तो आपको P का रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा ठीक है वो आपके सॉल्व करने पे डिपेंड करता है ना जब आपको P मिल गया तो Q निकालना तो बहुत आसान है भाई P और B को ले लीजिएगा सिर्फ जब आपको P मिल जाए स्टूडेंट्स तो आप क्या करेंगे आप देखिए मैं दोबारा फिगर बना देती हूँ अगर आपको P की वैल्यू मिल जाती है तो अब आपके लिए क्या बचा पी और बी के बीच का आपको कोर्डिनेट निकालना है और P और B के बीच में कौन है Q रेशियो आपके पास क्या है वन रेशियो वन सो सेम इसी मैनर में आप P और P और बी के बीच का क्यू कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं ओके आई होप ये क्लियर है अगर नहीं क्लियर है तो बताइएगा जब हम कभी लाइव सेशंस लेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन को वहां पे फुल एक्सप्लेन कर दूंगी बट आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी बिकॉज मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने आपको सारी वैल्यूज भी बता दी हैं विद वैल्यूज आपको आराम से पी कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पी मिल गया तो क्यू भी आराम से आ जाएगा बिकॉज पी और बी के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे क्यूँ निकालना है रेशियो आपको पता है सिर्फ फॉर्मूला में रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओके okay? सो so, हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन अपने और फाइनल आंसर भी कि इसका फाइनल आंसर क्या आना है बट फाइनल आंसर देखने से पहले आप अपने आंसर्स को वीडियो पॉज करके यहीं पर निकाल लीजिए ओके सो फाइनल आंसर इज आंसर नंबर दिस ऑप्शन इज द फाइनल आंसर पी का ये कोऑर्डिनेट आएगा जब पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो आप इसी को यूज करके क्यू के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर गिवन, आर द वर्टिसेस ऑफ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये चार पॉइंट्स हैं ये किसके वर्टिसेस हो सकते हैं सो फर्स्ट इज स्क्वायर सेकेंड इज़ रेक्टेंगल थर्ड इज रोम्बस एंड फोर्थ इज ट्रिपेजियम ओके तो ये आप कैसे निकाल सकते हैं देखिए स्क्वायर हो या रेक्टेंगल इन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए लाइक स्क्वायर और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी कि इनके साइड्स क्या होते हैं सेम होते हैं साइड्स की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है सेम होती है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड सेम होते हैं ट्रिपेजियम की क्या प्रॉपर्टी है इसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं सेम भी नहीं होते और अपोजिट टू साइड्स तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते सो so जब आप इन कॉर्डिनेट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तब आपको आइडिया मिल जाएगा कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ओके okay? सो so हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं ओके दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी दिस इज डी ओके कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए नाइन जीरो बी का लिख लीजिए नाइन सिक्स सी का लिख लीजिए माइनस नाइन सिक्स एंड डी का लिख लेते हैं माइनस नाइन और जीरो ओके okay? अब हम वन बाय वन क्या करेंगे इनके बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले ए बी के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कौन से फार्मूले से डिस्टेंस फार्मूला से तो फार्मूला मैं नहीं लिखूंगी बार बार फार्मूला अब आपको याद हो चुका होगा तो जस्ट हम डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं नाइन माइनस नाइन जीरो जीरो का स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो जाएगा सो so ये आपका आ गया फाइनली सिक्स इसी तरीके से हम बी सी को कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी नाइन प्लस नाइन बिकॉज माइनस एड हो जाएगा नाइन प्लस नाइन विल बी एटीन एटीन का स्क्वायर आपका क्या होता है स्टूडेंट्स एटीन का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए ओके okay? कैसे कैलकुलेट करेंगे दिस इज माई ट्रिक ऑफ कैलकुलेटिंग सो हेयर इट इज़ वन हेयर वी हैव सिक्सटी फोर हेयर दिस इज सिक्सटीन सो दिस इज थ्री ट्वेंटी फोर ओके okay? यहाँ से हमें मिल गया एटीन का स्क्वायर होता है थ्री ट्वेंटी फोर क्लियर अगर आपको जानना है कि मैम ने कैसे स्क्वायर निकाला ये कौन सी ट्रिक है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी इससे बहुत ईजिली स्क्वायर निकल सकता है ना थ्री ट्वेंटी फोर उसके बाद सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो हो जाएगा आपका सो ये आपका आ गया एटीन क्लियर नाउ इसी तरीके से सी डी निकाल लेते हैं अगेन माइनस नाइन माइनस नाइन ये आपका जब आप आ, ब्रैकेट में लेंगे तो दो बार माइनस होके प्लस हो जाएगा माइनस नाइन प्लस नाइन जीरो हो जाएगा एंड सिक्स माइनस जीरो सिक्स जिसका स्क्वायर होगा थर्टी सिक्स सो ब्रैकेट के बाहर आपका आंसर आया सिक्स सिमिलरली डी ए निकाल लेते हैं डी ए के लिए माइनस नाइन प्लस नाइन ये हो जाएगा आपका एटीन का स्क्वायर दैट इज थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर जीरो माइनस जीरो ज़ीरो होगा तो अगेन एटीन सो हमने क्या देखा कि आपकी ये साइड सिक्स आ रही है ये सिक्स आ रही है ये एटीन आ रही है ये एटीन आ रही है तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ऐसा किस केस में होता है ऐसे रेक्टेंगल के केस में होता है सो दो ऑप्शन बी इज राइट आंसर लेट्स चेक येस ऑप्शन बी इज राइट ओके सो डिस्टेंस से इस तरीके के क्वेश्चन आप डिस्टेंस से कर कर सकते हैं अगर मान लीजिए यहां पे आपके चारों साइड सेम होती तो विच ऑप्शन कैन बी द राइट आंसर तब आप देखिए स्टूडेंट स्क्वायर में भी ऐसा होता है रोमबस में भी ऐसा होता है तो अगर आपके क्वेश्चन में स्क्वायर और रोम्बस दोनों होते तो लास्ट ऑप्शन आपके पास होता बोथ स्क्वायर एंड रोम्बस ओके बिकॉज अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होगा तो आप स्क्वायर और रोम्बस में कोई भी ट्रिक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही केस में साइड बराबर होती है या तो फिर उस क्वेस में स्क्वायर और रोमबस में कोई एक ही ऑप्शन

इनके बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और इन थर्ड साइड के बीच के डिस्टेंस कैलकुलेट करिए तीनों डिस्टेंस को ऐड करके थ्री आपका क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा ओके okay? ऑप्शन देख लीजिए फाइव ट्वेल्व एलेवन थर्टीन मैं फिगर बना देती हूँ फिगर बनाने के बाद आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा दिस इज़ अ ट्रायंगल एक कोऑर्डिनेट है ज़ीरो फोर दूसरा कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो तीसरा कोऑर्डिनेट है थ्री जीरो भाई क्या करना है ए कैलकुलेट करिए बी कैलकुलेट करिए सी कैलकुलेट करिए पी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ओके चेक कर लेते हैं जल्दी से कर भी सकते हो बिकॉज अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजीली आ जाएगा जीरो माइनस जीरो जीरो होगा फोर माइनस जीरो क्या हो जाएगा फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो फाइनल आंसर इज़ फोर ओके सिमिलरली हो थ्री माइनस जीरो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन ये हो जाएगा फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो फाइनल आंसर इज फाइव ट्वेंटी फाइव आएगा ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट फाइव होता है यहाँ पे निकाल लीजिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा थ्री ओके डायरेक्टली करते हैं ये कैसे डायरेक्टली हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप भी डायरेक्टली इतनी ही इजिली निकाल सकते हैं जितनी इजिली मैं निकाल रही हूँ फाइव प्लस फोर प्लस थ्री ओके नाइन प्लस थ्री क्या होगा ट्वेल्व सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर लेट्स चेक द फाइनल आंसर दस स्टूडेंट ऑप्शन बी इज राइट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द पॉइंट्स दीज थ्री पॉइंट्स आर गिवेन टू यू आर द वर्ट ऑफ दिस इज अमलर क्वेश्चन लाइक ऑफ रेक्टेंगल ओके अब यहाँ पे तीन है ठीक है तो आपसे पूछा क्या गया है कि क्या ये राइट एंग ट्राइंगल होगा क्या ये आइसोसलेस ट्राइंगल होगा या इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा या स्केलेन ट्राइंगल होगा ओके okay? तो ये अब हम कैसे बता सकते हैं अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेज बिटवीन ऑल दीज थ्री पॉइंट सो लेट्स ड्रॉ अ फिगर फर्स्ट सो दिस इज अ ट्राएंगल हु माइनस फोर जीरो हेयर दिस इज़ फोर जीरो एंड हेयर दिस इज़ ज़ीरो थ्रू ना विद मी कैलकुलेट आप कैलकुलेट करिए मेरे साथ जल्दी जल्दी ठीक है अगर हमें ए की डिस्टेंस निकालनी हो तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे माइनस फोर माइनस फोर क्या हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा जो कि होगा सिक्सटी फोर स्क्वायर होने पे ज़ीरो माइनस ज़ीरो जीरो होगा सो यहाँ पे आपकी आ गई एट सी का निकाल लेते हैं जल्दी से क्या हो जाएगा फोर माइनस जीरो फोर फोर का स्क्वायर करेंगे क्या होगा सिक्सटीन नाउ अगेन जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन सो यहाँ नाइन आया नाइन प्लस सिक्सटीन क्या होता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर रूट होता है फाइव ओके okay? इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए माइनस फोर माइनस जीरो आपका आ जाएगा सिक्सटीन थ्री माइनस जीरो नाइन अगेन दिस इज फाइव ठीक है तो अब आपने क्या देखा स्टूडेंट्स की दो साइड सेम आ रही है है ना और एट साइड डिफरेंट है ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता है ऐसा होता है हमारे आइसोसिलेस्ट ट्राइंगल में आइसोसिल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है द टू साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन क्लियर लेट्स चेक द आंसर यस आंसर बी इज राइट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन The point which lies on the perpendicular bisector of the line segment. Now, what is perpendicular bisector? Perpendicular का मतलब तो हो गया 90 degree. Bisector का मतलब हो गया bisect करना बिल्कुल two parts में divide करना Okay? मतलब perpendicular bisector क्या हो गया बराबर के parts में भी divide कर रहा है और 90 degree पे bisect कर रहा है Is it clear? So किस line को कर रहा है AB बी हमारी एक लाइन है ओके दिस इज ए दिस इज बी द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज टू फाइव ट ऑफ बी इज टू फाइव तो कॉर्डिनेट ऑफ ए इज माइनस टू माइनस फाइव क्लियर अब यहां पर जो पर्पेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को आपको उस पॉइंट की वैल्यू को उस पॉइंट के कॉर्डिनेट को फाइंड आउट करना है ठीक है तो हम मान लेते हैं कि ये जो कॉर्डिनेट है आपका इसका कॉर्डिनेट लेट कर लेते हैं एक्स वाई क्लियर अब क्वेश्चन के ऑप्शन को चेक कर लीजिए ऑप्शन से जीरो 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 टू टू जीरो माइनस टू जीरो न स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए मैंने अभी बताया परपेंडिकुलर बाई सेक्टर क्या करता है बिल्कुल बराबर के पार्ट्स में डिवाइड करता है और अगर कोई चीज़ बराबर के पार्ट में डिवाइड हो रही है यानी कि अगर ये पी आपकी ए बी लाइन को बिल्कुल आधे आधे में बांट रहा है तो हम इसे क्या कह सकते हैं हम इसे मिड पॉइंट भी तो कह सकते हैं कि दिस पी इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट सो मिड पॉइंट निकालने के लिए तो आपके पास एक पूरा फॉर्मूला ही गिवन है कैसे निकाल सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू वाई वन प्लस टू ठीक है एक्स वन आपको अवेलेबल है पुट कर दीजिए माइनस टू प्लस टू अपॉन टू वाई वन वाई टू अवेलेबल है माइनस फाइव प्लस फाइव अपॉन टू ये आपका क्या आ गया ये आपका आ गया जीरो जीरो ठीक है सो विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन नंबर ए इज राइट ओके लेट्स इट यस आंसर नंबर ए इज राइट ऑप्शन आई होप आपको समझ में आया हो नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरलोग्राम ए बी सी डी नाउ ए बी सी डी इज अ पेरलोग्राम हु थ्री आर टू टू यू यू एंड हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्थ नॉट द वैल्यू द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ठीक है सो इसके लिए आप क्या कर लिए सबसे पहले एक पेलोग्राम बना लेते हैं हम ओके सो दिस साइड इज पैरल टू दिस एंड दिस इज पैरल टू दिस पेरोग्राम हो गया आपके चार वर्टिसेस होते हैं ए बी सी डी ए का कोऑर्डिनेट गिवन है माइनस टू थ्री बी का कोऑर्डिनेट गिवन है सिक्स सेवन सी का कोऑर्डिनेट गिवन है एट थ्री एंड डी का नहीं गिवन है तो क्या मान ले एक्स वाई मान लेते हैं अब बताइए ये पैरलोग्राम है पैरलोग्राम का मतलब क्या हुआ कि इस साइड की लेंथ इसके बराबर होगी यानी कि अगर ये आपका ए है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा ठीक तो हम क्या कर लें अगर हमें पता है कि ये बी बी सेम होंगे तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लें उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे रख देंगे ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम ए बी के डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं ए बी से आपको क्या मिल जाएगी डिस्टेंस मिल जाएगी बिकॉज दोनों कॉर्डिनेट गिवन है तो यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकती है डिस्टेंस फॉर्मूले से सो तो क्या हो जाएगा सिक्स प्लस टू होल स्क्वायर एंड विद इन ब्रैकेट प्लस सेवन माइनस थ्री होल स्क्वायर ओके नाउ दिस विल बी एट एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर यह आपका है सेवन माइनस थ्री फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन सो ये आपका आ गया सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन अब आपने ऐड कर लेना है तो ये आपका अंडर रूट स्क्वायर रूट का एट्टी आ गया ठीक अब जो ये डिस्टेंस है वही यहाँ पे होगी ठीक है तो हम डी सी कैलकुलेट कर लेते हैं ओके डी सी भी क्या है इसकी डिस्टेंस बी है ठीक अब हमारे पास डी सी में एक अवेलेबल नहीं है सो कीप दैट इन माइंड कैसे करेंगे एट माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सॉरी थ्री माइनस y थ्री माइनस y का होल स्क्वायर ना आपको b की वैल्यू पता है स्टूडेंट आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया आप इस वैल्यू को यहां रख दीजिए क्या हो जाएगा अंडर रूट एट्टी रूट एटी यहाँ पे आपका आ गया एट माइनस x होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट गया ये आपकी आ गई एट्टी एट माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वाई होल स्क्वायर ओके ये हम हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन अभी ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व नहीं हुआ है अभी आपने सिर्फ एक फर्स्ट बिकॉज दो वेरिएबल है दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन कितनी होनी चाहिए हमने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स उतनी उसकी इक्वेशन होगी तभी उस वेरिएबल्स की वैल्यू आएगी तो so, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो अब दूसरी इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी जैसे हमने ए बी और डी सी से एक इक्वेशन बनाई है स्टूडेंट वैसे ही आप बी सी और ए डी से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे ओके okay? और उन दो इक्वेशंस को फिर आप साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे देन आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई की तो इक्वेशन तो हम आपको बना के दे रहे हैं लेकिन आप वैल्यू आप ख़ुद कैलकुलेट करेंगे लाइक देखिए जैसे मैंने यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन बना के दी है अब मैं आपको दूसरी इक्वेशन भी बना के दिखाती हूँ वो किससे बनेगी बी सी और ए डी से बनेगी क्योंकि बी सी और ए डी साइड्स बराबर होंगी सो so बी सी की अगर हम डिस्टेंस निकाल लें तो बी सी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी एट माइनस सिक्स सिक्स क्या हो जाएगा टू टू का स्क्वायर उसी तरीके से थ्री माइनस सेवन क्या हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर ठीक है सो so ये हो गया फोर ये हो गया आपका सिक्सटीन यहाँ से आपका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी अब हम ए डी निकाल लेते हैं ठीक है ए डी बी सी के बराबर ही होगी ठीक है तो ए डी की वैल्यू रख लीजिए एक्स माइनस टू ये हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर अब बी सी के बराबर है तो स्क्वायर रूट ट्वेंटी रखा जा सकता है यहाँ पे सो विद इन स्क्वायर रूट यू हैव एक्स प्लस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर इट क्लियर स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कैंसिल कर दीजिए आपको यहाँ से मिल गई सेकेंड इक्वेशन ठीक है अब इन दोनों इक्वेशन को आप सैमल्टेनियस पहले तो आप सिम्प्लीफाई करोगे बिकॉज अभी आप स्क्वायर खोलेंगे फिर कोई वैल्यू शॉर्ट होंगी सिंप्लीफाई होंगी उसके बाद आपको दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी उन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे वेदर बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन वट एवर यू फाइंड बेस्ट देन आपको रिक्वायर्ड एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी जो आपका होगा डी कॉ कोऑर्डिनेट इज इट क्लियर आई होप आपको समझ में आया हो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उसे ऐसे ही फाइंड आउट करना होता है भले ही ये पैलोग्राम की जगह यहाँ स्क्वायर लिखा होता है या रेक्टेंगल लिखा होता है एनी फिगर एनी क्वाड्रिलेटरल कुछ भी होता आपको सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है ओके okay? ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शंस में अवेलेबल है जीरो वन जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो वन जीरो अच्छा ये तो हो गया स्टूडेंट हमारा बेसिक मेथड ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास वहाँ पे ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं तो पहले तो मैंने आपको बेसिक मेथड बता दिया अब आप देखिए बेसिक मेथड कितना लंबा था मुझे दोनों इक्वेशन बनानी पड़ी और अभी भी क्वेश्चन फुल सॉल्व नहीं हुआ है अभी भी आपको क्वेश्चन को क्या करना है अभी फर्दर सॉल्व करना है ठीक है सो so, अगर हम इस क्वेश्चन को दूसरे मैनर से सॉल्व करें ठीक है अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसके दूसरे मैनर से कैसे सॉल्व किया जाता है एक तो ये मैनर है जो कि आपका बेसिक मेथड हो गया सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज ऑल वट आई हैव रिटर्न ओवर हेयर आई होप आपने यहाँ पे स्क्रीन ले लिया हो ताकि आप बाद में इसको सॉल्व कर सको प्लीज टेक द स्क्रीन ओके सो लेट्स सॉल्व इट बाय अनादर मैनर ओके ये आपका एक पैरोग्राम है ठीक है अगेन मुझे फिगर बनाना पड़ेगा सो दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी ओके ए है माइनस टू थ्री एंड बी है सिक्स सेवन सी है एट थ्री डी आपको नहीं पता तो अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे एज्यूम नहीं करेंगे वाई अब हम अपने ऑप्शन को उठाएंगे ठीक है सो so, पहला ऑप्शन आपके पास है जीरो वन ये दोनों साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए चेक कर लीजिए क्या सेम आ रही है यहाँ पे आपकी लेंथ क्या आएगी अगर आप जल्दी से कैलकुलेट करिए सिक्स माइनस टू क्या हो जाएगा फोर ओके सॉरी सिक्स माइनस माइनस टू ये हो जाएगा एट एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर सेवन माइनस थ्री फोर का स्क्वायर सिक्सटीन तो so ये आया आपका आंसर अंडर रूट एट्टी ठीक चेक कर लीजिए क्या यहाँ पे वो आंसर आ रहा है एट माइनस जीरो एट एट का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटी फोर थ्री माइनस वन हो जाएगा टू टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर सो ये आपका आंसर वो नहीं आ रहा है सो दिस ऑप्शन के नॉट बी राइट ठीक नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं माइनस वन माइनस वन में एट माइनस जीरो ये तो सेम रहेगा थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी फोर का स्क्वायर फोर का स्क्वायर होता है सिक्सटीन देन आपका क्या आ जाएगा अंडर 80 इसका मतलब ये दोनों साइड इस ऑप्शन पे क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं सो so, ये आपका राइट right ऑप्शन हो गया देखिए हमने कितनी जल्दी निकाल लिया अगर हम अपने बेसिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं देखिए हो सकता है जब आप प्रेशर में रहते हो एग्जाम टाइम पे आपके पास बहुत प्रेशर रहता है आपको इतना माइंड ना चले कि हाँ हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं बट ये हैबिट आपकी तभी बनेगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि मेरे पास टाइम कम है क्या एक बार ऑप्शन से सॉल्व करके देखें कि हमारा ऑप्शन से जल्दी निकल सकता है तो so देखिए आपके बेसिक मेथड में कितना टाइम लगा मुझे मुझे ही खुद चार मिनट लगे होंगे दोनों क्वेश्चन बनाने में और ये आपका विद इन मिनट सॉल्व हो गया ओके सो बी इज़ द राइट ऑप्शन चेक कर लेते हैं येस yes, सॉरी जीरो वन नोट इट कैन नॉट बी जीरो वन जीरो वन नहीं हो सकता दिस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सो यहाँ पे चेंज कर लीजिए ये आपको ऑप्शन नंबर बी होगा बिकॉज बी की ही वैल्यू रखने पे आपका आंसर क्या आ रहा है सीम आ रहा है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द पॉइंट पी टू वन लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी देन ऑप्शन आर ए पी इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री पी बी सेकेंड इज ए पी इज इक्वल्स टू पी बी थर्ड इज पी बी इज इक्व टू वन बाई थ्री ए बी एंड फोर्थ इज ए पी इज इक्वल टू हाफ ए बी ओके स्टूडेंट्स तो ऑप्शन देख के लग रहा है हमें कि यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि पॉइंट्स किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को हमें उन रेशियो को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए का आपको सेगमेंट पता है कोऑर्डिनेट पता है और बी का पता है आपको एट फोर ठीक है दिस इज पॉइंट पी समवेयर अब हम रेज्यूम करना है कि कौन से रेशियो में डिवाइड करता है तो कभी भी क्वेश्चन रेशियो बेस्ड आ जाए जिसमें आपको ये कैलकुलेट करना हो कि रेशियो कैसे निकालते हैं तो हमेशा रेशियो लेट करेंगे के रेशियो वन कभी भी एम एस थ्रू एन या एम वन एम टू कैलकुलेट नहीं करेंगे बिकॉज दो वेरिएबल्स हो जाएंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए जो आपके पास नहीं अवेलेबल होगी सो रेशियो आपको क्या लेट करना है रेशियो हमेशा लेट करना है के रेशियो वन ओके okay? अब हम क्या करेंगे हम सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे अगर कोई कोऑर्डिनेट पी आपको वैल्यू निकालनी होती है एक्स वाई तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका होता है एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इसी तरीके से वाई के लिए होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू ठीक है अब सबसे पहले आप साइड में सारी वैल्यूज लिख लो टू अवॉइड द कन्फ्यूजन कि एम वन क्या है के है एम टू क्या है वन है एक्स वन क्या है फोर है ओके एक्स टू क्या है एट है वाई वन क्या दिया हुआ है आपको टू वाई टू क्या दिया हुआ है आपको फोर जस्ट सेकंड फोर एक्स क्या दिया है आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवेन है टू वाई क्या गिवन है वन ओके okay? अब हमारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उसे पुट कर देंगे तो so, यहाँ आपको मिल जाता है टू वन ठीक है यहाँ पे आपने क्या किया है एम वन को एक्स टू से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा एट के एम टू को एक्स वन से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज एम टू दिस इज़ एक्स वन फोर आ जाएगा आपका नीचे हो जाएगा K +1, के प्लस वन ठीक है इसी तरीके से यहाँ पे एम वन को वाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे फोर के प्लस टू ठीक है एम टू वाई वन से मल्टीप्लाई होगा नीचे हो जाएगा के प्लस वन अब आपके कोऑर्डिनेट्स हैं तो सेम बिकॉज ये हम पी ही तो फाइंड आउट कर रहे थे तो एक्स को एक्स के साथ इक्वेट कर दीजिए वाई को वाई के साथ कोई भी एक कर लीजिए बिकॉज दोनों का आंसर सेम ही आएगा अगर आप दोनों भी चेक करके देखोगे तो K के वैल्यू आएगी वो दोनों में सेम आएगी तो हम एक को उठा लेते हैं लाइक like एक्स को मैंने ले लिया एट के प्लस फोर अपॉन के प्लस वन तो ये हो जाएगा टू के प्लस टू इज इक्वल्स टू एट के प्लस फोर तो यहाँ से आपका हो गया सिक्स के इज इक्वल टू माइनस टू के इज टू क्या आ गया माइनस वन बाई थ्री नाइगोर इग्नोर दस माइनस साइन आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है अब आप आपको क्या पता है के आ गया वन अपॉन थ्री तो अब जब आप वहाँ यहाँ पे के की वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपका रेशियो क्या निकल के आया वन रेशियो थ्री ओके सो ए पी इज इक्वल टू वन बाई थ्री पी बी कह सकते हैं कि नहीं ए पी क्या है वन बाई थ्री ऑफ पी बी है लाइक देखिए वन इज टू थ्री तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया ए पी बाई पी बी इज इक्व टू वन अपॉइन्ट थ्री तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर तैयार है ए पी इज इक्वल टू वन बाई थ्री पी बी दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज राइट है लेट्स चेक द फाइनल आंसर सो येस ऑप्शन नंबर ए इज राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ द कॉर्डिनेट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग क्यू एंड आर वन द वैल्यू ऑफ ए सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है मड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू तो मिड पॉइंट तो ऑलरेडी गिवन है दैट मीन्स ए बाई थ्री फोर ये आपका कहाँ से निकल के आया जिस फॉर्मूले से निकल के आया उसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए ये आपका एक्स वन वाई वन हो गया ये आपका एक्स टू वाई टू हो गया सो so, ये मिड पॉइंट किससे फॉर्मूले से निकल के आता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू तो एक्स वन हो गया माइनस सिक्स प्लस माइनस टू अपॉन टू कौमा सिमिलरली क्या हो जाएगा x वाई वन प्लस वाई टू फाइव प्लस थ्री वाई टू ओके अब ये क्या है x का x से इक्वेट कर लेंगे y का y से कर लेंगे सो so, x से इक्वेट करने से आपकी a की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या करना है हमें तो a की वैल्यू चाहिए ना सो so, ये हो जाएगा टू माइनस फोर ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व चेक कर लेते हैं क्या माइनस ट्वेल्व अवेलेबल है सो यस स्टूडेंट बी ऑप्शन इज अवेलेबल माइनस ट्वेल्व सो बी इज द राइट आंसर चेक कर लेते हैं फाइनल आंसर बी इज द राइट वन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ द पर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ द लाइन जिससे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए वन फाइव एंड बी फोर सिक्स कट्स द वाई एक्सेस एट ओके सो ये आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं अब बहुत ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चन कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर अभी मैंने लास्ट एक क्वेश्चन करवाया था जहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो आपको पता है कि पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा ये आपका एक तरीके से मिड पॉइंट ही होता है ठीक तो आप मिड पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हो लेकिन जब आप क्वेश्चन को मिड पॉइंट से कैलकुलेट करके देखोगे तो आपके कोई भी ऑप्शन आपको मैच नहीं करेंगे ओके सो so, इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट से नहीं इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका दूसरा है एक चीज़ और ध्यान देने वाली है परपेंडिकुलर बाई सेक्टर के साथ ये क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस पे कट करती है तो अगर क्वेश्चन में ये साफ साफ कह रहा है कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करती है तो इसका मतलब एक्स तो है ही नहीं ना कहीं एक्स क्या होगा जीरो होगा कोई भी लाइन देखिए अगर ये आपका ग्राफ है मतलब ये वाई एक्सिस है ये एक्स कोई भी लाइन कैसी भी लाइन हो वो वाई एक्सिस को कट कर रही है वो एक्स को तो कहीं कट ही नहीं कर रही है ना तो क्या एक्स का कोऑर्डिनेट होगा एक्स की कोई वैल्यू होगी नहीं तो इस केस में एक्स की वैल्यू क्या हो गई जीरो तो क्या आपके ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू दी गई हो बिकॉज एक्स तो जीरो होना चाहिए तो ये थर्टीन वाला जो ऑप्शन है ये आपका डेफिनेटली गलत हो गया या ऐसे ही और भी कोई ऑप्शन होते तो वो भी आपके गलत हो जाते तो अब ये ऑप्शन तो आपके पास हो ही नहीं सकता मीन्स इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन अवेलेबल है ओके okay? तो so, अब हम क्या करेंगे आपसे क्वेश्चन ने बोला कि ए एक पॉइंट है लाइन सेगमेंट का जिसकी वैल्यू है वन बाई फाइव कोऑर्डिनेट है वन बाई फाइव बी जिसकी है फोर बाई सिक्स ठीक है और इसको कोई जो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर इसको डिवाइड कर रहा है पी पे मान लेते हैं पी सो वहाँ पे ये वाई एक्स से कर रहा है तो जीरो होगा और वाई की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है इज इट क्लियर आपको क्या कैलकुलेट करना है वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है ठीक अब ये एक मिड पॉइंट भी तो होता है साथ ही साथ तो क्यों ना आप मिड पॉइंट को फॉर्मूला लगा दें चलिए देख लेते हैं क्या उससे आएगा सो जीरो वाई मिड पॉइंट आपको पहले से गिवन है कैसे करते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू यानी कि फोर प्लस वन अपॉन टू सिमिलरली ये कैसे करते हैं सिक्स प्लस फाइव अपॉन टू ओके सॉल्व कर लीजिए आपको क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है तो आप y को इक्वेट कर लीजिए ये हो जाएगा सिक्स वाईज टू इलेवन बाई टू इज एनी ऑप्शन अवेलेबल विच इज़ हैविंग वैल्यू एलेवन बाई टू नो इट्स नॉट अवेलेबल ओवर हियर ओके दैट मीन्स कि हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है क्या ये तो सही है कि ये मिड पॉइंट है ओके okay, ये बात तो सही है कि ये मिड पॉइंट है अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए पी जो होगा वो पी बी के बराबर होगा इज इट क्लियर अगर ये मिड पॉइंट है बिकॉज परपेंडिकुलर बाई सेक्टर है बिल्कुल बीचों बीच पीछ डिवाइड करेगा 90 डिग्री पे डिवाइड करेगा ठीक है 90 डिग्री पे इसको लाइन डिवाइड करेगी और बीच बीच पीछ, तो ए पी पी बी के बराबर है इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी हमारी राइट सो चलिए इसको डिस्टेंस फार्मूले से एक बार तो हमने मिड पॉइंट से निकाल लिया और देखा कोई आंसर मैच नहीं कर रहा तो अब हम इसको डिस्टेंस फार्मूले से भी चेक कर लें ठीक है सो ए पी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए पी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं ठीक है ए पी की डिस्टेंस निकालेंगे अगर आप ठीक है जल्दी से निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके ये हो जाएगा जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा ठीक है उसके बाद वाई माइनस फाइव का हो चुका है ठीक तो यहाँ से इसको ऐसे इस, ही रहने दीजिए इसको भी फर्दर सॉल्व मत करिए पी बी निकाल लेते हैं ठीक है पी भी क्या हो जाएगा पी भी निकाल लीजिए फोर माइनस जीरो क्या हो जाएगा फोर फोर का स्क्वायर दैट मीन्स सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ओके नाउ व्हाट आई सेड ए पी इज इक्वल्स टू पी बी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं ठीक है अगर हम इन दोनों को बराबर रखेंगे तो इनके स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्या बचेगा हमारे पास कैंसिल आउट होने के बाद वन प्लस वाई माइनस फाइव का होल स्क्वायर इज इक्व टू सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस वन का होल स्क्वायर अब आप इसे ओपन कर लीजिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी जल्दी से कर लेते हैं वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस टेन वाई इज इक्व टू सिक्सटीन प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया आपका ठीक है यहाँ क्या बचा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स माइनस टेन वाई इधर क्या बचा आपके पास फिफ्टी टू माइनस ट्वेल्व वाई ये ट्वेल्व इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा इधर आपका बचेगा टू वाई ट्वेंटी सिक्स इधर गया क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपके पास क्या बचेगा ट्वेंटी सिक्स तो वाई क्या आ गया बेटा वाई आ गया थर्टीन सो यहाँ से जो हमें वाई मिला वो आपका यहाँ पे मैच कर रहा है इज इट क्लियर सो ये आपको ऑप्शन फर्स्ट सही है बिकॉज ज़ीरो तो आपको पहले से पता था एक ज़ीरो होगा और वाई क्या निकाल लिया हमने थर्टीन निकाल लिया इज इट क्लियर चेक कर लेते हैं यस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन क्लियर बिकॉज वाई जो है आपका यहाँ पे फ्रैक्शन में आ रहा था और यहाँ पे ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं थी जो फ्रैक्शन में हो सो so, हम मिड पॉइंट से जो इसको कैलकुलेट कर रहे थे वो हमें राइट right ऑप्शन नहीं दे रहा था ओके okay? सो so, हमें इसको तो किस का किस पॉइंट से कैलकुलेट किस फॉर्मूले से यूज़ करना पड़ा हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ा इस तरीके का को कोई भी क्वेश्चन आए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है दैट डजेंट मीन कि आपका क्वेश्चन ही गलत है ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि आपका क्वेश्चन गलत हो या आपको ऑप्शन गलत हो अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे नन ऑफ दीज लिखा होता आप उस पर टिक करते बट सिंस आप देख रहे हो चारों ऑप्शन अवेलेबल है इसका मतलब अगर हमारा इससे नहीं आ रहा तो हम इसमें और कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं तो हम इसमें डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते थे ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अ सर्किल ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर पासिस थ्रू थर्टीन बाई टू जीरो द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल सो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल है ठीक है जिसका जो तो सेंटर है वो ओरिजिन है डेट मीन्स अगर ये आपका ग्राफ है तो ये ओरिजिन इसका सेंटर है और एक पॉइंट है थर्टीन बाई टू ज़ीरो ठीक है सो so ये आपका सर्किल है कह रहे हैं ऑप्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स गिवन हैं जो कि जिसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो अंदर लाई नहीं करना चाहिए ठीक है सर्किल के बाहर होना चाहिए सो so ऑप्शन में आपके ये पॉइंट्स अवेलेबल हैं सो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं देखिए हमें क्या करना होगा हम यहाँ से एक रेडियस हम रेडियस फ़ाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है सो रेडियस जब आप फाइंड आउट करेंगे आपकी रेडियस आएगी सिक्स पॉइंट फाइव अगर कोई भी सर्कल के अंदर पॉइंट होगा तो उसकी रेडियस या तो सिक्स पॉइंट फाइव से छोटी होगी या सिक्स पॉइंट फाइव के बराबर होगी अगर इन चारों में से किसी भी पॉइंट के अगर हम रेडियस निकालते हैं ओरिजिन से इन लोगों का रेडियस निकालते हैं मान लीजिए थर्टीन पॉइंट ये हमने ले लिया पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री बाई फोर वन ठीक है ये भी क्या हुई है रेडियस ही तो हुई उसी तरीके से कोई भी और पॉइंट है वो सारी रेडियस होगी तो सारी रेडियस में से अगर जो भी रेडियस आपके सिक्स पॉइंट फाइव के बराबर या इनसे छोटी हुई वो सारे पॉइंट्स कहाँ लाई करेंगे सर्किल के अंदर लाई करेंगे अगर कोई ऐसी डिस्टेंस आ गई ऐसा रेडियस आ गया जो सिक्स पॉइंट से फाइव से बड़ा हुआ सो वही सर्किल के बाहर लाई करेगा सो हमें क्या करना है हमें यहाँ से ये समझ में आ गया हमें पॉइंट वाइज हमें ऑप्शन वाइज आर को कैलकुलेट करना है डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगे और चेक करना है कौन सी वैल्यू आर की इस सिक्स से ग्रेटर आ रही है ओके okay? सो so, ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है इफ़ आई विल सॉल्व हेयर मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा सो so, हम फाइनली चेक कर लेते हैं जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेनेशन से समझाती हूँ ठीक है सो एक्सप्लेनेशन देखिए पहले हमने क्या मान लिया कि एक सेंटर सर्किल का सेंटर ये है इस पॉइंट से पास होता है तो इनके बीच की रेडियस निकाल ली जो कि आई सिक्स पॉइंट फाइव फिर हमने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया तो जीरो बाई जीरो तो ओरिजिन है जहाँ से हम रेडियस को कैलकुलेट करेंगे बिकॉज ये सेंटर है सेंटर से हमने इस पॉइंट तक के लिए रेडियस मान के इसकी रेडियस निकाली ये क्या आया आपका वन पॉइंट टू फाइव सो वन पॉइंट टू फाइव तो सिक्स पॉइंट फाइव से छोटा है इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये सर्किल के अंदर लाई करेगा ओके okay? अब हम बाकी पॉइंट्स के लिए भी चेक कर लेते हैं देखिए हमने बी के लिए चेक किया क्या आया थ्री पॉइंट वन ये भी छोटा है ठीक है ये भी लाई करेगा अंदर सी के लिए क्या आया फाइव पॉइंट जीरो टू ये भी छोटा है इसका मतलब ये भी इनसाइड साइड लाई करेगा डी के लिए क्या आया डी के लिए आया सिक्स पॉइंट फाइव ठीक है सो डी एक ऐसा पॉइंट है ठीक है माइनस यहाँ पे आपका क्या आ रहा है सिक्स पॉइंट फाइव तो डी एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल के ऊपर ही रहेगा यानी कि माइनस सिक्स बाई फाइव बाई टू ये एक ऐसी चीज है जो सर्किल के ऊपर ही रहेगी तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किल के अंदर नहीं होना चाहिए क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि सर्किल पे भी नहीं होना चाहिए ठीक है तो अगर ये पॉइंट सर्किल पे है तो इसका मतलब ये सर्किल के अंदर नहीं हो सकता इसका मतलब विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ठीक है क्योंकि ये पॉइंट ऐसा होगा जो सर्किल के ऊपर ही लाई करेगा सर्किल के अंदर लाई नहीं करेगा इज इट क्लियर आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया हो यह स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का इसकी कोई ट्रिक नहीं हो सकती स्टूडेंट ट्रिक यही थी कि आप ऑप्शन से लेके रेडियस कैलकुलेट कर लें और फिर बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है यही ट्रिक ही थी और ट्रिक का ही प्रोसेस इतना लंबा है ओके okay? uh, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आपके 90 मिनट्स के पेपर में पूछे जाएंगे बट स्टिल हो सकता है कोई ईजी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए आपके अगर एक्यूरेसी uh, लेवल या आपके क्वेश्चन का लेवल अगर आप प्रैक्टिस में इतना कर रहे हो और एग्जाम में इतना आने वाला है लेवल हाई आप हाई लेवल पे सॉल्व करो क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करिए भले एग्जाम का लेवल कैसा भी हो उससे क्या होगा उससे आपके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी कैलकुलेशन बढ़ेगा और अगर एग्ज़ाम में टाइम बचता है तो आप अपने पेपर को एक बार चेक भी कर सकते हो वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए आप उन पर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो ओके okay? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी

अब फॉर्मूला क्या कहते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू यानी कि थ्री प्लस के अपॉन टू ये हो गया हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट ठीक है वाई का क्या हो जाएगा सिक्स प्लस फोर यानी कि टेन बाई टू ठीक है यहाँ से सॉल्व कर ले फाइव तो पी एक्स वाई में आपको एक्स मिल गया क्या थ्री प्लस के बाई टू और वाई क्या मिल गया वाई मिल गया फाइव अब आपको एक इक्वेशन दी गई है ठीक है इक्वेशन क्या दी गई है कि ये जो पॉइंट है जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन से होके पास हो रहा है तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से पास हो रहा है इसका मतलब उस पॉइंट की वैल्यू उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ओके okay? सेटिस्फाई करेगी तो इसका मतलब आप एक्स और वाई जो आपने कैलकुलेट किया वो आप यहाँ पे रख दीजिए एक्स क्या है थ्री प्लस के बाई टू वाई क्या है फाइव माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू है थ्री प्लस के बाई टू इज इक्वल टू क्या हो गया फाइव हो गया बिकॉज आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस फाइव माइनस फाइव उधर चला जाएगा फाइव हो जाएगा सो so यहाँ से थ्री प्लस के इज इक्व टू टेन के क्या आ गया सेवन और के की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करनी थी चेक कर लेते हैं क्या सेवन ऑप्शन अवेलेबल है फाइव सिक्स सेवन सो दिस ऑप्शन नंबर थ्री विल बी राइट ऑप्शन चेक कर ले फाइनल आंसर सो यस स्टूडेंट आंसर नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन What type of quadrilateral do these four points taken in order form? ye kaun sa quadrilateral form karenge Now if I ask you a question over here, student, how many types of quadrilaterals are there? Okay? I want कि आप इस question का answer comment box में जरूर करें कि कितने quadrilaterals आप जानते हैं कि होते हैं और quadrilaterals होते क्या हैं? तो होते क्या हैं चलिए मैं बता देती हूँ quadrilaterals वो होते हैं जिनकी sides क्या होती हैं four होती हैं ओके एनी क्लोज फीगो विथ फो साइड इज नोन एज कॉर्डिलेटर नाउ यू विल आंसर इन द कमेंट बॉक्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वार आर देर ओके सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये चार कोऑर्डिनेट से कौन सा टाइप का को कॉर्डिलेटर बन जाता है बन सकता है हम ऑप्शंस में देख लेते हैं रेक्टेंगल अवेलेबल है स्क्वायर अवेलेबल है ट्रिपेजिम अवेलेबल है रॉम्बस अवेलेबल है ओके सो okay? so इस तरीके का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ठीक है बट वहाँ पे आपको फिगर पहले से पता था कि वो क्या है यहाँ हमें ये बताना है कि ये फिगर है कौन सा तो प्रोसीजर सिंपल है सिंपल का मतलब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए आराम से निकल आएगा कि क्या है अगर डिस्टेंस इक्वल हुई तो स्क्वायर होगा नहीं हुई दो डिस्टेंस इक्वल हुई अपोजिट वाली तो फिर ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ के डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ के डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सेवन माइनस टू क्या हो गया आपका फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ठीक है प्लस थ्री माइनस माइनस टू क्या हो जाएगा फाइव फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव ये हो गया अंडर रूट ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ से आपका आंसर आ गया फाइव अंडर रूट टू इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए इलेवन माइनस सेवन फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ठीक है माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ये हो जाएगा आपका फोर अंडर रूट टू इज क्लियर यहाँ कर लीजिए इलेवन माइनस सिक्स फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स प्लस वन अगेन फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है सो ये आपका हो गया अगेन फाइव हंड्रेड वोट टू यहाँ आपने सॉल्व किया ये आपका फिर से हो जाएगा फोर हंडर वू अब आप देखो क्या हो रहा है कि दो अपोजिट्स जो हो रही हैं वो बराबर हो रही हैं ये वाली इसके बराबर है ये वाली इसके बराबर यानी कि ये कैसा फिगर हो गया ये हो गया रेक्टेंगल बिकॉज रेक्टेंगल में ही हमारे अपोजिट साइड्स पैनल एंड एकवल होते हैं तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन सो ऑप्शन ए इज अवेलेबल एक्सप्लेनेशन इज गिवन टू यू सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करके दी गई है जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में करके बता दिया ये आपकी एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में डिस्टेंस अवेलेबल है आप चेक कर लीजिएगा बाद में सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ पी कोऑर्डिनेट इज गिवन टू यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है इन द रेशियो थ्री टू वन रेशियो भी गिवन है आपको क्या कैलकुलेट करना है आपको ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ओके okay? सो so, सब कुछ आपको गिवन है तो हम यहाँ पे कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूले का यूज स्टूडेंट तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको मिड पॉइंट पता है ठीक है मिड पॉइंट पता है सॉरी मिड पॉइंट नहीं आपको कोऑर्डिनेट पता है पी का ठीक है सो so, पी आपको पता है ठीक पी आपकी वैल्यू है नाइन ए माइनस टू माइनस बी यानी कि यहाँ से एक्स और वाई आपको पता हुआ है और क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए एम वन एम टू पता होनी चाहिए एम वन है आपके पास थ्री एम टू है आपके पास वन ठीक है और क्या पता होना चाहिए एक्स वन पता होना चाहिए तो एक्स वन पता है वाई वन पता है एक्स टू पता है वाई टू पता है अब आप जल्दी से अपना सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए फार्मूला हम नहीं लिखेंगे वो आपको याद होना चाहिए अदरवाइज इट विल बी टू टाइम टेकिंग ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया ठीक है एक्स वाई और एक्स वाई निकालते कैसे हैं सेक्शन फार्मूला आपको पता है एम वन को एक्स टू से मल्टीप्लाई करना है यानी थ्री मल्टीप्लाई बाई एट ए एम टू को एक्स वन से करना है यानी कि थ्री ए प्लस वन हो जाएगा नीचे एम वन एम टू एड किया जाता है तो ये हो जाएगा फोर सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे वाई टू से प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे वाई वन से नीचे आपका ऐड हो जाएगा सो दिस इज़ अब हम क्या करेंगे अब हम एक्स को x से इक्वेट कर दें y के कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट कर दें सो नाइन ए इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फोर ए प्लस थ्री ए प्लस वन अपॉन फोर साथ ही साथ बी वाई के कोऑर्डिनेट को भी लेते चलते हैं तो माइनस बी इज इक्वल्स टू फिफ्टीन माइनस थ्री अपॉन फोर इसको सॉल्व कर लीजिए सॉरी यहाँ पे माइनस टू रह गया इसको सॉल्व कर लीजिए ये हो जाएगा थर्टी सिक्स ए माइनस एट ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन ए प्लस वन आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे आपका ए आ जाएगा वन ठीक है यहाँ सेमिलरली आप सॉल्व करेंगे आपका बी आ जाएगा माइनस थ्री सो हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी हमने कैलकुलेट कर ली चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये वैल्यू अवेलेबल है सो फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट फर्स्ट ही ऑप्शन आपका अवेलेबल है इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन ओके फाइनल आंसर चेक कर लें फाइनल आंसर इज ए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड डायमीटर टेन अंडर उर्किल के बारे में आपको बोला गया है कि सर्किल का सेंटर आपको गिवेन है टू ए ए माइनस सेवन ये आपका सेंटर गिवन है सर्किल एक पॉइंट से पास कर रहा है मान लेते हैं ये पॉइंट है इलेवन माइनस नाइन यहाँ पे ठीक है अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो डायमीटर है वो टेन अंडर रूट टू यूनिट्स है तो ये यह यहां से लेकर सर्किल तक की डिस्टेंस कितनी हुई स्टूडेंट ये रेडियस हुई ठीक है अगर आपको डायमीटर गिवन है टेन अंडर रूट टू तो रेडियस क्या हो जाएगा डिवाइड कर दे डायमीटर को टू से ठीक है हमें क्या मिल गया रेडियस फाइव अंडर रूट टू यानी कि डिस्टेंस भाई डिस्टेंस फार्मूले से इन दो के बीच के डिस्टेंस निकाले जा सकते हो डिस्टेंस आपको पहले से पता है फाइव अंडर रूट टू डिस्टेंस तो फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे ठीक है क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला कि डिस्टेंस बराबर होता है आपका विद इन स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि इलेवन माइनस टू ए होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन यानी कि वाई टू है आपका नाइन माइनस वाई वन हो जाएगा माइनस ए प्लस सेवन का होल स्क्वायर ठीक है बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो इधर आपका आ जाएगा फिफ्टी इधर आपका आप ब्रैकेट ओपन करिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हो जाएगा वन ट्वेंटी वन प्लस फोर ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा फोर्टी फोर ए सिमिलरली इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो हम इनको पहले सिंप्लीफाई कर लें माइनस नाइन प्लस सेवन आपका क्या हो जाएगा माइनस टू तो हो जाएगा फोर ओके स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस फोर ए ठीक है अब आप इसको फर्दर सॉल्व करिए फिफ्टी वन ट्वेंटी वन में फोर ऐड किया ये हो जाएगा आपका वन ट्वेंटी फाइव ठीक है यहाँ से आपका फोर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा फाइव ए स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा फोर्टी एट ए ठीक फर्दर सॉल्व कर लेते हैं फाइव ए स्क्वायर माइनस फोर्टी एट ए ये फिफ्टी उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया हो जाएगा आपका प्लस सेवेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो नाउ अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई आपको यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा ठीक है वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ओके okay? चेक कर लेते हैं फाइव थ्री बोथ ऑफ दीज ऑफ दीज ठीक है यानी कि हो सकता है एक की बाई क्वाड्रेटिक है जाहिर है ए की कितनी वैल्यूज आएंगे दो वैल्यूज आएंगी हो सकता है दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो इसलिए आपके पास बोथ ऑफ दीज गिवेन है हो सकता है इसमें से एक ही अवेलेबल हो तो हम सिर्फ उसको टिक कर देंगे ठीक है चेक कर लेते हैं हम अपना एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपके बोत अपने यानी कि ए को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइव और थ्री आंसर आना है ठीक है चेक कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन दिस इज द फिगर आई ड्रॉइड ऑलरेडी ड्रॉइड ये आपका एक्सप्लेनेशन है देखिए जो वैल्यू आई है इसको सॉल्व करने पे आपका क्या आएगा थ्री और फाइव आएगा एक्सप्लेनेशन गिवन है मैं अपना रब कर देती हूँ ताकि आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन क्लियरली दिखे क्लियर हमने क्या किया हमने रेडियस निकाला उस रेडियस को इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस के बराबर रख के रखकरवेट कर दीजिए दिया और उसके बाद हमारी ये आपकी इक्वेशन बनी थी इसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया जो आपका आया थ्री और फाइव इट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एट माइनस नाइन एंड टू वन ओके okay, आपको रेशियो फाइंड आउट करना है उस कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जो इन दोनों लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है और वो कोऑर्डिनेट इस लाइन से होके पास होता है अगर मैं ऐसा फिगर बनाती हूँ लिखिए ये आपके दो कोऑर्डिनेट हो गए एट माइनस नाइन टू वन ठीक है तो एक ये लाइन है ये लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो आपको लाइन की इक्वेशन गिव तो ये जो कोऑर्डिनेट है जो इस लाइन सेगमेंट को ए बी को डिवाइड कर रहा है मान लेते हैं पी ये पी कोऑर्डिनेट इस लाइन से होके पास कर रहा है तो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है मैंने क्या बताया कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना हो हम क्या एज्यूम करेंगे रेशियो होगा के रेशियो वन ठीक है के रेशियो वन एज्यूम कर लें कुछ भी लेटर एज्यूम कर लें बट साथ में रेशियो में क्या रहेगा वन ठीक अब आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन से होके गुजरता है तो वो उस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है यानी कि p की जो भी वैल्यू आएगी वक्स कुछ भी वैल्यू आती है वो इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई करेगी यानी कि वैल्यू रखने पे आपकी इक्वेशन जीरो आंसर देगी कहने का मतलब ये है ओके सो हम पी पे यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है ए इट क्लियर अब अगर इसके कोऑर्डिनेट ए बी हैं तो सबसे पहले रेशियो गिवन है हम निकाल लेते हैं कि रेशियो क्या है आपको तो रेशियो फाइंड आउट करना है ठीक लेकिन रेशियो ऐसे नहीं निकलेगा दोनों कंडीशन को हमें जस्ट सेटिस्फाई कराना पड़ेगा सबसे पहले हम रेशियो की कंडीशन पे आते हैं जो हमें सेक्शन फार्मूला से मिलेगी सो so देख लेते हैं यहाँ से हमें पी का क्या कोऑर्डिनेट मिलता है ए बी सेक्शन फार्मूला में क्या होगा के मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई एट अपॉन के प्लस वन ठीक है उसके बाद आप आ जाते हैं वाई वाले पे के मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस नाइन अपॉन के प्लस वन अब हम यहाँ से इक्वेट कर लेते हैं ए और बी की वैल्यू ठीक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू के प्लस एट अपॉन के प्लस वन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी के माइनस नाइन अपॉन के प्लस वन ये मिल गई हमें ए और बी की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये पी इस लाइन से होके गुजर रहा है ये आपकी लाइन तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी इसका मतलब ये तो हमारे क्या होगा ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमें वैल्यू मिली अब अगर हम इस ए बी को इस इक्वेशन में रखते हैं सो so, हमें क्या इक्वेशन मिलेगी टू ए वाई की जगह बी रखेंगे थ्री बी माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो ये आपकी क्या मिली आपको सेकेंड इक्वेशन मिली अब आप यहाँ पे क्या करिए फर्स्ट से वैल्यू को उठा के ए और बी को पुट कर दीजिए जब आप ऐसा करोगे तो ये इक्वेशन दो वेरिएबल से किस में कन्वर्ट हो जाएगी सिर्फ एक वेरिएबल जो कि होगा के और के की वैल्यू आ जाएगी जो के होगा वही आपका क्या होगा रेशियो होगा ठीक है चेक कर लेते हैं आपके रेशियो क्या है वन रेशियो एट एट रेशियो वन टू रेशियो फाइव फाइव रेशियो टू दिस इज़ द एक्सप्लेशन स्टूडेंट एक्सप्लेशन के हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मैंने वही किया जो मैंने आपको समझाया वही आपका एक्सप्लनेशन है मैंने के माना था इन्होंने लैमडा माना हुआ है ठीक है फर्दर एक्सप्लेशन देखिए इन्होंने लैमडा जैसे मैंने यहाँ पर कॉर्डिनेट की वैल्यू निकाली थी इन्होंने भी निकाली हुई है एक्सप्लेनिशन में भी निकली हुई है ठीक है और उसी वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन में रख दिया गया यहाँ से आपको लैमडा मिल गया जो कि है एट बाई वन मैं अपनी अपना इरेज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन दिखे सो so, ये देखिए लैमडा को रेशियो माना उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए वो कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे सो so, जहाँ पे एक्स था वहां पे हमने कोऑर्डिनेट का एक्स रख दिया जहां वाई था वहां कोऑर्डिनेट का वाई रख दिया फाइनली हमने सॉल्व कर लिया लैमडा की वैल्यू आ गई एट ओके सो रेशियो इज एट रेशियो वन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल डेट बी यानी कि एक ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है आपका ठीक है जिसमें बी पे राइट एंगल है ए पे ए ये हो गया सी ये हो गया ए के कॉर्डिनेट गिवेन है टू नाइन बी का कोर्डिनेट गिवन है ए फाइव और सी का कॉर्डिनेट गिवन है फाइव ठीक है अब क्वेश्चन क्या आप बोल रहे ए की वैल्यू निकालिए ठीक अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं ठीक अब पाइथागोरस के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए तो डिस्टेंस क्या हम नहीं निकाल सकते हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मुला भी है सो इस डिस्टेंस से हम एसी के डिस्टेंस को निकाल लेंगे ठीक है अब ये हाईपोर्ट न्यूज है तो इसका स्क्वायर बराबर होगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर सो so, इस इक्वेशन में आप अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करके रखेंगे और फाइनली ए की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे ऑप्शंस में अवेलेबल है टू फाइव माइनस फाइव माइनस टू ठीक है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बिकॉज अगर मैं खुद करूंगी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा मैंने एक्सप्लेनेशन पहले से लिखा हुआ है देखिए एक्सप्लेनेशन आपका ये आपके फिगर के हिसाब से मैंने क्या बोला बी सी की वैल्यू निकाली है देखिए ये बी सी आ गया ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए सो ए बी की वैल्यू ए और बी ठीक है ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम आई uh, थिंक यहाँ पे ए बी समवेयर इज मिसिंग सो ए बी आपका ये है यहाँ पे राइट right नहीं है ए बी आपकी ये गिवन है ठीक है ए सी निकाल लिया ए सी आपकी ये गिवन है देन हमने इस पाइथागोरस थ्योरम में देखे यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया इक्वेशन को सॉल्व कर लिया सॉल्व करने पे आपकी दो वैल्यू आए टू और फाइव लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है ऐसा क्यों है स्टूडेंट ऐसा इसलिए है कि अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू फाइव लेते हैं तो जब हम बी और सी के बीच के डिस्टेंस निकालेंगे तो आंसर जीरो आएगा अब एक ट्राइंगल में साइड तो होगी होगी ना जीरो तो हो नहीं सकती कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी उसकी सो so इस हिसाब से हम अपने फाइव ऑप्शन को क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ हम कौन सा ऑप्शन लेके चलते हैं कि ए का ऑप्शन टू ही सही है ओके क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज सेशन Find the value of A if the distance between the point is this and the distance is already given to you. It's a very easy question. Again okay? nine आपको पहले से given है दोनों कोऑर्डिनेट्स given है तो यहाँ पे आप पहले से put कर लीजिए ताकि confusion ना रहे x1, y2. बाई टू डिस्टेंस गिवन है डिस्टेंस फॉर्मूला में रख देते हैं क्या हो जाएगा a प्लस थ्री होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका माइनस फाइव प्लस फोर्टीन होल स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए ये हो जाएगा आपका एटी वन यहाँ से स्क्वायर रूट हट गया तो आपका ये आप क्वाड्रेटिक से खोल सकते हो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लीजिए ए स्क्वायर प्लस नाइन प्लस सिक्स ए ये आपका हो जाएगा माइनस फाइव प्लस फोर्टीन कितना हो जाएगा नाइन नाइन का स्क्वायर एटी वन सो अब एटी वन से एटी वन तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया क्या बचा ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो ना दिस इज अ क्वाड्रेटिक ऐसे हमें दो वैल्यूज लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता हो सिक्स आता हो सॉरी नाइन आता हो और एड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता हो सिक्स आता हो तो ऐसी तो एक ही वैल्यू है वो है थ्री मल्टीप्लाई थ्री और थ्री प्लस थ्री ओके सो फ्रॉम हेयर वट वी गेट फ्रॉम हेयर वी गेट ए प्लस थ्री टेकिंग द कॉमन ए कॉमन एंड फ्रॉम हेयर अगेन ए प्लस थ्री वी हैव सो दिस वॉज ए प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एंड हेयर वी हैव ए इज इक्वल टू माइनस थ्री एज अवर आंसर सो लेट्स चेक वेदर माइनस थ्री इज अवेलेबल येस ऑप्शन नंबर बी माइनस थ्री इज अवेलेबल फाइनल आंसर चेक कर लें सो so yes स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर ओके सो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री पे आपके डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला पे बेस्ड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं आपका क्या काम है आपका काम ये है कि वीडियो के लिंक में जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दी गई है केस स्टडी की उसको अच्छे से पढ़िए उसको सॉल्व करिए अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए जितने ट्वेंटी क्वेश्चन आपको मैंने अभी लगवाए हैं इन्हें खुद से एक बार सॉल्व करिए ताकि आपका कैलकुलेशन बढ़े जितना क्वेश्चन डोंट थिंक लाइक दिस कि अरे ये तो कर ही लिया मैम ने ये तो सॉल्व हो ही जाएगा बिकॉज हमने देख लिया मैम ने कैसे सॉल्व किया ऐसा नहीं है आपने देख तो लिया लेकिन जब आप खुद सॉल्व करोगे तो उससे आपको गलतियां समझ में आएगी आपको ये समझ में आएगा किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है तो एग्ज़ाम में क्या होगा एग्जाम में आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग सकता है इसे हम लास्ट में करेंगे बाकी पेपर पहले सॉल्व कर लें ओके कोशिश ये करिए बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके तो कोशिश ये करिए जो क्वेश्चन जल्दी हो सकते हैं जिनके आंसर जल्दी आ सकते हैं सही आ सकते हैं उन्हें पहले सॉल्व करिए जो क्वेश्चन में टाइम लगे उन्हें लास्ट के लिए रखिए ओके okay? सो so, ये तभी होगा जब आपने पहले से उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा उन्हें बार बार सॉल्व किया होगा आपको अपना कैलकुलेशन बढ़ाना है कैलकुलेशन को एक्यूरेट रखना है ठीक है स्पीड तो कोई भी सॉल्व कर सकता है लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मैटर करती है बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते आपका आंसर सही होगा तो मार्क्स मिलेंगे नहीं सही होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा ओके सो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टफ होता है डिस्क्रिप्टिव से क्लियर सो आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है आज आपको समझ में आया होगा सो इफ़ यू इंजॉयड द सेशन प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड टू रिसीव द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टाइम हिट द बेल आईकेन ओके थैंक यू एंड हैवे नाइस डे